प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट एम सी क्यू दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे कि हमें एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सामना करना है ना कि रिटन फॉर्मेट का ना ही किसी और फॉर्मेट का जब तक आप प्रिलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ बट क्या हम कभी भी पढ़ते समय जब तक हमें ना बताया जाए कि इसमें एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरह का मैच द फॉलोइंग याद कर सकते है? नहीं इवन हम याद भी करेंगे तो हम कृष्णा पे क्या बनें कावेरी पे क्या बनें क्या हम सारे रिवर्स पर ध्यान दे पाएंगे कभी नहीं बिकॉज हम हमेशा यही समझेंगे कि हमें डैम के बारे में पढ़ना है और दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स बट एन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जब भी हम किसी करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें ये सब इंफॉर्मेशन भी होती है अब इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये फिल्टर आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप Hello everyone, my name is Tanya Singhal and I have secured rank 159 in UPSC 2020. And today I am bringing you this video which will discuss how to prepare for UPSC problems. So, these are some of the important uh, topics, discussions, and also the answers why prelims is difficult because you know there are a lot of questions around 100 questions. Never heard questions, some questions are just like out of nowhere. Can't revise so much, then there is a C set also. Then can't remember the facts. We are not able to recall. We actually learned this, but we are not able to recall in exam. Then we were feeling so anxious. Then there is silly mistakes in exam. So today in sabhi doubts ko in subhi uh, notions ko address karenge through my five practical tips, which will help you in definitely preparing better. So let's dive into the video. Now, how did I clear three times prelim in a row? I have cleared prelims in 2018 exam, 19 exam, and 20 exam. So these are my some practical tips which you can use to prepare for UPSC problems and make it little bit easy. So these are my five practical steps. Okay, the first step recognize the unique nature of the exam. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं एक बार एक स्टूडेंट होता है उसका बायोलॉजी का एग्जाम होता है और वो सारे नोट्स याद करता है और अपना टाइम ज़्यादातर डायग्राम प्रैक्टिस करने में लगाता है क्योंकि उसे किसी ने बोला था इवन इफ एफ राइट्स द सेम बट अगर किसी ने डायग्राम बनाया तो उसको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपना टाइम डायग्राम्स पे फोकस करूं एंड लेट मी गेट एक्स्ट्रा मार्क्स जब वो नेक्स्ट जाता है तो उसको तो पता चलता है एग्जाम फॉर्मेट इज़ वाइवा एंड ये सुनके उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि तो उसने तो इतना ज्यादा टाइम डायग्राम्स पे फोकस किया था तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर प्रिलिम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज ऑल अबाउट एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे कि हमें एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सामना करना है ना कि रिटन फॉर्मेट का ना ही किसी और फॉर्मेट का जब तक आप प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक क्वेश्चन था कि आपको रिवर और उनके डैम को मैच करना है अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है बट आप थोड़ा अपनी स्टडीज में वापस जाइए जब भी आप डैम्स के बारे में या रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली हम डैम के बारे में समझेंगे कि वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ़ डैम डैम आखिरकार करता क्या है यू नो एंड वॉट आर द इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस इसी तरह की चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं कि डैम्स कैसे बनाए गए और ज़्यादा ही दिमाग है तो हम इंजीनियरिंग भी समझ सकते हैं इसकी फिर हम टाइप्स ऑफ डैम समझ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है इस मोर काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो हम इनमें पुट करेंगे बट क्या हम कभी भी पढ़ते समय जब तक हमें ना बताया जाए कि इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरह का मैच द फॉलोइंग याद कर सकते नहीं इवन हम याद भी करेंगे तो हम कृष्णा पे क्या बनाए कावेरी पे क्या बनाए क्या हम सारे रिवर्स पे ध्यान दे पाएंगे कभी नहीं बिकॉज हम हमेशा यही समझेंगे कि हमें डैम के बारे में पढ़ना है और दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स बट एम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसी तरह आप जब रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो डैम स्पेसिफिकली इतना हम ध्यान नहीं देते जब तक हमें पता ना हो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम रिवर का फ्लो समझते हैं हम रिवर के समझते हैं कि इट वाइट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आर कंट्री और इसी टाइप से हम लोग पढ़ते जाते हैं बिकॉज़ यू नो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेल दिस इज़ द पार्ट ऑफ़ रिमेंबरिंग तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रलम्स में एम सी क्यू आते हैं ना कि इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव uh, क्वेश्चंस और आपको एज अ एग्जाम्पल इसको याद नहीं करना बल्कि इसे एज अ क्वेश्चन याद करना है तो दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट बट मैंने कह दिया और आपका हो गया ऐसे नहीं हो पाएगा आपको बार बार ये चीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी कि एमसीक्यू आते हैं और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा दैट ब्रिंग्स टू माई सेकेंड स्टेप दैट इज सॉल्व टेन टू ट्वेंटी क्वेश्चन आपने एक बार समझ लिया कि रिवर के ऊपर डैम का क्वेश्चन आता है तो अगली बार मैं हर रिवर के डैम का नाम याद कर लूंगा बट वॉट एंड अबाउट अदर सब्जेक्ट्स हर सब्जेक्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप करंट अफेयर्स के भी एम प्रैक्टिस करें जो हम जनरली मिस कर देते हैं और उसी समय अगर हम एम सी क्यू प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड कि इस करंट अफ़ेयर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि करंट अफेयर्स में से क्या एम सी क्यू बन सकते हैं और इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एक टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जा रहा है दैट इज़ प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र अगर हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हो सकता है हम इस चीज़ के बारे में समझें कि इसे किसने डिस्कवर किया है ये कौन सी लैब में डिस्कवर हुआ है कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ है एंड यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट तो जब भी हम किसी करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन भी होती है अब इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये फ़िल्टर आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप हर रोज़ एम प्रैक्टिस करें जिससे आपको समझ में आने लग जाए कि करंट अफेयर में से क्या याद करना है अगर आप ये चारों याद करने लग जाएंगे तो आपके पास एट एंड ऑफ द डे बहुत सारा मटेरियल होगा ना वो रिवाइज़ हो पाएगा ना वो आपको अच्छे से याद रह पाएगा बट जब आप इस टाइप के एमसीक्यू समझते हैं या करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है यू you नो know, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां से आप लोग अपना एनालिसिस शुरू कर सकते हो जिसको बोलते हैं ना एमसी क्यू करो दिस इज एग्जैक्टली दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि साइंस के टेक के क्वेश्चन में से जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज योर फर्स्ट प्रायरिटी एटलीस्ट इसको तो आप जरूर जरूर याद करें और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में सो दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जाम इज अबाउट एमसी क्यू और खाली समझने से कुछ नहीं होगा यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑल्सो तो दिस ब्रिंग्स यू आर थर्ड स्टेप विच इज़ ट्रीट मॉक एग्जाम सीरियसली एंड साममिलटेट एग्जाम कंडीशन तो जनरली क्या होता है आपने देखा होगा कि प्री बोर्ड में कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और बोर्ड में नहीं आते या फिर कुछ बच्चों के प्री बोर्ड में बहुत बेकार नंबर होते हैं और बोर्ड में अच्छे आ जाते हैं और इसी तरह से यू में भी होता है कुछ लोगों के मॉक्स में एकदम ज़बरदस्त नंबर आते हैं बट उनका प्रम्स नहीं हो पाता और उसका मेन कारण ये है कि एग्ज़ाम में न बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप मार्क कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए बट आप गेस्ट वर्क से मार्क कर सकते हो तो जनरली क्या होता है जब हमारे पास मॉक एग्जाम होते हैं तो मोस्ट ऑफ अस हैव दिस टेंडेंसी कि मार्क करके देख लेते हैं क्या ही है एग्जाम है ना मॉक ही तो है ना इट्स नॉट द रियल प्रॉब्लम्स बट आई टेल यू वॉट इज द प्रॉब्लम इन दिस उसमें क्या होता है कि आपने मॉक एग्जाम में तो उसको अटैम्प्ट कर लिया और हो सकता है आपके प्लस टू भी आ जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे यू नो यू हैव अटेम्प्टेड रियली रियली गुड मार्क्स बट अगर नेगेटिव आए तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे बट दोनों ही केसेस में ना आपकी लर्निंग नहीं हो रही है लर्निंग इज मिसिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगर सही भी हुआ तो क्या सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको सही कर पाओगे और अगर गलत हुआ तो क्या आप सेम टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे तो लर्निंग इज समवेयर मिसिंग एंड इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था आप लोग सब लॉन्गीड का कॉन्सेप्ट समझते होंगे कि इफ दिस इज़ द डेली का लॉन्गीड तो कौन सी सिटी क्लोजेस्ट है लॉन्गी वाइज अब यहाँ पे चार ऑप्शनस है बेंगलोर नागपुर हैदराबाद पुणे नोट लुक एट द आंसर्स आई वॉन्ट टू फोकस दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करेगा और कोई कर भी नहीं सकता अब किसी को थोड़ा ना सपना आएगा कि हम डेली का लॉन्गीड देखते हैं और देखते हैं इस पर कौन सीट सी सिटीज़ याद कर रही हैं और अगर ऐसे याद करने लग गए

तो द पॉइंट इज इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आप मॉक में बहुत ईजिली अटैम्प्ट करते हो या फिर अटैम्प्ट नहीं करते हो बट उसके पीछे की थिंकिंग कि हमें अटैम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती बिकॉज वी डू नॉट ट्रीट मॉक एग्जाम एज रियल एग्जाम बट आई यूज टू ट्रीट एवरी मॉक एग्जाम एज रियल एग्जाम बिकॉज इट विल हेल्प मी इन मेकिंग दिस डिसीजन कि मैंने मॉक में इस टाइप के क्वेश्चन अटम्प्ट किए थे मेरे गलत होते थे सही होते थे एंड देन आई वॉज एबल टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एट माई एक्चुअल प्रिलम एग्जाम एंड मेरे मॉक के एग्ज़ाम्स के भी काफ़ी रियलिस्टिक आते थे विच रियली हेल्प मी इन लर्निंग बिकॉज अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप खुश हो जाओगे और ज़्यादा कम आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे सो दैट इज़ माई अनदर टिप अनदर स्टेप कि आपको हर एग्जाम को चाहे वो मॉक हो चाहे वो कोई भी छोटा सा -चोट छोटा एग्जाम हो आपको उसको सीरियसली अटैम्प्ट करना है अदरवाइज ये टाइप के क्वेश्चन आप मॉक में अटैम्प्ट कर लोगे मे बी आप मार्क्स भी ले आओ बट एक्चुअल एग्जाम में आपको समझ नहीं आएगा कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज माई फोर्थ स्टेप वन क्वेश्चन एट अ टाइम नो ओवर थिंकिंग अब ये क्या होता है कई बार हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि मैं लास्ट के चार क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया मैं तो एक क्वेश्चन में इतना फंसा रह गया मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम किसी क्वेश्चन से अटैच हो जाते हैं कि ये मुझे क्वेश्चन आता है मैं इसको अटैम्प्ट करके ही रहूँगा तो इस टाइप के जो अटैचमेंट्स रहते हैं इस टाइप का जो हमारा यू you नो know, एक क्वेश्चन के ऊपर होवर करने रहने होता है उसे बोलते हैं हम ओवर पर अगर हम ऐसे ओवर थिंक करते रहते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और हम बाकी जो क्वेश्चन शायद हमें आ सकते थे वो हम नहीं कर पाते और इसको हम बेहतर तरीके तरिक, से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से तो ये एक एग्जाम्पल है अब ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ आस्किंग अबाउट वन स्ट्रैटजी और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली पढ़ा ही होगा ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं पढ़ा हो अब मान लीजिए इसके इस केस में हमारे पास इस स्ट्रैटेजी के दस फीचर्स थे ठीक है आपने दस फीचर्स तैयारी के समय पढ़े और आपको अभी सिर्फ तीन याद आ रहे हैं एकदम कंफर्मेशन के साथ बाकी साथ आपको नहीं याद आ रहे हैं अब ये जो ऑप्शन है ये बाकी साथ में सही है ठीक है अब आपके माइंड में क्या होगा मैंने तो ये पढ़ा है मुझे तीन याद भी हैं और मुझे बाकी का याद नहीं आ रहा बट आई कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और आप ये बार बार टाइम वेस्ट करेंगे कि बाकी के साथ क्या थे लेट मी गेस इट लेट मी यू नो थिंक अबाउट इट और उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए आपको इधर अटेम्प्ट करना है या नहीं करना इट्स योर कॉल इट विल डिपेंड कि आपने किस तरह का अपना स्ट्रैटेजी बनाया आपको कितना गेस वर्क करना है कितना आपको अटेम्प्ट करना है बट माई सजेशन इज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डू नॉट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू अटेम्प इट राइट द वे डो नॉट ओवर थिंक इफ यू डोंट वॉन्ट टू अटेम्प्ट वहीं पर छोड़ दो बट ऐसे होवर मत करते रहो कि ये तो मैंने पढ़ा था ये तो मुझे आना चाहिए बट मुझे नहीं आ रहा है अरे शिट ये क्या हो गया मैं तो टाइम वेस्ट हो गया एन ऑल तो ये सब नहीं सोचना है अगर इस टाइप की माइंड में हमारे थॉट्स हैंंगी तो डेफिनेटली इस पर टाइम वेस्ट होगा और आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको नहीं पढ़ पाएंगे तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नो ओवर थिंकिंग वन क्वेश्चन एट अ टाइम आप जो क्वेश्चन करें आप उस पर फोकस कीजिए पीछे जो क्वेश्चन नहीं आया या आया उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया फ़ाइनल हो गया ठीक है एंड माई फिफ्थ स्टेप इज डी डे प्रेपरेशन आपने बहुत बार सुना होगा ये सब लाइन्स कि मैंने रोल नंबर गलत भर दिया मैंने बबल्स को रॉन्ग कर दिया या मेरे पास टाइम नहीं बचा था फाइव के फाइव लास्ट बबल्स भरने के लिए और ये सब क्यों होता है ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम कभी भी एग्जाम के ये नहीं समझते कि हमें फाइनली ओ भरना है और जब हमें समझ नहीं आता कि ओ में भी गलतियाँ हो सकती हैं तो हम इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ तो मैं इसमें क्या सजेस्ट करना चाहूँगी इट लुक्स सिली कि ओ प्रैक्टिस कौन करता है बट आई थिंक ऑल ऑफ़ यू शुड प्रैक्टिस ओ एम आर सो दैट इस टाइप की मिस्टेक्स ना हो और आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे बबल्स भरने में ये बहुत ही सिली है अंडरस्टैंड और ये बहुत ही ज़्यादा इट लुक्स लाइक अब इतने बड़े हो गए हम ओ एम आर क्यों प्रैक्टिस करें बट दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप एक बार आपका ओ एम आर पे हाथ सेट हो जाएगा ई विल अंडरस्टैंड यू नो बस इतना इतना मेरे को टाइम लगता है ओ एम आर भरने में तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा सो दिस ब्रिंक्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड यहाँ पे जो एक और चीज़ रहती है कि यू नो वी आर वेरी वेरी एंशियस तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा हम प्रिपेयर हैं उतने कम हम एंशियस हैं एंड ट्रस्ट में आप जितना प्रिपरेशन करते जाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और जितना कॉन्फिडेंस आता जाएगा उतनी आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी बट डोंट एवर थिंक कि आपकी एंगजाइटी जीरो हो जाएगी बिकॉज नो एंग्जाइटी ज़ीरो नहीं होगी एंग्जाइटी होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बट उसको आपको हावी नहीं होने देना है और उसके लिए कोई टिप ट्रिक कोई भी चीज़ काम नहीं कर दी द ओनली थिंग वर्क इज़ प्रेपरेशन गुड प्रेपरेशन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वॉट एवर यू से बट जितना आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही कम आप एंक्शस रहेंगे सो विद डेट सेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप इट हेल्प यू इसके अलावा भी थोड़ी चीज़ें हैं लाइक टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करें दो घंटे में पूरा पेपर कैसे करें ओ एम आर का भरना चाहिए और ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल एंड इस वीडियो में हम कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता हो तो लेट मी ब्रिंग अनदर वीडियो विच विल डिस्कस इन डिटेल ऑल द टाइम मैनेजमेंट ऑफ प्रबल एग्जाम सो थैंक यू सो मच एंड आई होप एवरीबडी यूज दिस प्रैक्टिकल टिप्स एंड मे बी दे स्कोर वेल सो थैंक यू सो मच